तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम आपको बताने वाले हैं, टी बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। टी बिजनेस में जो लगने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पाउच हो गया, पन्नी, जो इस तरह की लड़ी में आपको हमारे पास रेडीमेड मिल जाएगा, इस तरह का 5 रुपये में 10 रुपये में दोनों हमारे पास मिल जाएगा। अगर किसी को 50 से लेकर 1 kg तक का भी पैकिंग करना है तो उसके लिए भी रैपर मिल जाएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं, टी बिजनेस में ज़रूरत की चीज़ है, जैसे कि आपका पाउच लगता है, पाउच लगने के बाद आपको जो है टी कहाँ से मिलेगा, और टी मिलने के बाद जो है दूसरा, आप टी बिजनेस में जो लगने वाली मशीनें हैं पैकिंग के लिए, काफ़ी लोगों ने टी बिजनेस में देखा होगा कि लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट बताते हैं लोग। मैं जो आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ 18 से 20 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में आपको टी बिजनेस आराम से स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहे, आज आपको हम दिखाने वाले हैं कि टी बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपने रैपर देखा है, इस रैपर में क्या होता है कि वन साइड ओपन होता है, मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से जो है ओपन होता है, ये सारे पाउचेस ओपन होते हैं, ये देखें, ये ओपन होते हैं। ये देखिए, एक ब्रांड है जो तारा के नाम से चल रहा है, तारा प्रीमियम, इसमें इलायची का फ्लेवर भी दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड चीज़, पीछे देखेंगे आप, पूरा ओपन रहता है, मतलब प्लेन रहता है। इसमें आप जो मेरे से कोडिंग मशीन लेके अपना जो है कंपनी का नाम, FSI नंबर डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टी बिजनेस में कैसे आप जो टी बिजनेस शुरू कर सकते हो। टी बिजनेस के लिए आप क्या करना कि मार्केट में जो आपके नियर बाय मार्केट है, तो इस तरह का जो है चाय पत्ती आप सस्ते दामों में, जैसे 200-250 रुपये जो भी किलो मिल रहा है, आप पता कर लेना। पता करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है कि 10 किलो चाय पत्ती में आप 100 ग्राम या आप जो 200 ग्राम इलायची को जो है पीस के अच्छे से उसमें मिक्स कर देंगे। उससे क्या होगा, जो चाय पत्ती का फ्लेवर होगा वो अच्छी क्वालिटी में जो है तब्दील हो जाएगा और अच्छा जो है क्वालिटी बन जाएगा। जब आपका टी जो है चाय पत्ती जो है इलायची डालने के बाद जब इलायची फ्लेवर बन जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे से जो है आपको इस तरह का जो है पाउच मंगाना है, आपको हमारे से इस तरह का जो पाउच मंगाना है जो इलायची फ्लेवर लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, आपको चाय पत्ती भरना है। चाय पत्ती भरने के लिए क्या होता है, भरने के लिए भी हमारे पास एक मशीन है, वो भी मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरह से वो चाय पत्ती आप भर सकते हैं इस पाउच में। आप हाथ से, चाहे आपके पास बजट नहीं है भरने के लिए, तो आप मैनुअली हाथ से भी जो है कोई चीज़ ले लें, उसमें आप वज़न सेट कर लें कि भाई 10 ग्राम है, तो जैसे 5 रुपये में 15 ग्राम चलता है, तो 10 रुपये में जो है 25 ग्राम चाय पत्ती भरा जाता है पाउच में, आप उतना सेट कर लें। और मैनुअली भी इसमें जो है दो आदमी से आप भर सकते हैं, अगर मशीन है तो एक सिंगल आदमी भी काम कर सकता है। उसमें क्या है कि अगर दोनों मशीनें लगाओगे आप, भरने वाली भी और सीलिंग वाली भी, तो दोनों मशीन लगाते हो तो कम से कम इन्वेस्टमेंट आपका जो है 30 से 40 हज़ार रुपये जाएगा। अगर सिर्फ पैकिंग मशीन लगाते हो और मैनुअली आप हाथ से भरते हो, तो आपका 18,000 में काम हो जाएगा। 18,000 में इस तरह की एक मशीन आ जाएगी जो आप ये देख रहे हैं, इस मशीन से आप जो है सील कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मशीन फीलिंग वाली है, इससे क्या मसाले भरे जाते हैं, आज मैं आपको करके दिखाता हूँ डेमो। जैसे कि मैं डेमो दिखा देता हूँ आपको, अभी ये हॉपर है, इसके अंदर में हम कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने चाय पत्ती लाया है आपको दिखाने के लिए, ये चाय पत्ती है, इसमें चाय पत्ती हम सेट भर देंगे। जैसे हमने इसमें चाय पत्ती और इसमें डाल दिया है, डालने के बाद ये देखिए मैंने चाय पत्ती इसके अंदर में रख दिया, रखने के बाद अब यहाँ तक फुल कर सकते हैं इसमें। इसमें कैपेसिटी आती है, जैसे कि ये मशीन जो मैं डेमो दिखा रहा हूँ, इसमें जो है 1 ग्राम से 100 ग्राम बीच में कितना भी वजन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, 5 रुपये की पैकिंग बना रहा हूँ, तो मैं इसमें अभी 10 ग्राम सेट कर देता हूँ। जैसे ये 13 ग्राम सेट है, इसको यहाँ से माइनस करके आप ये देख सकते हैं, ये मैं आपको इसको 10 ग्राम सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका 10 ग्राम सेट हो जाएगा, सेट होने के बाद ये देख सकते हैं 10 ग्राम सेट हो गया। यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट दबा देंगे, ये वज़न होना शुरू हो गया। अब ये हम पाउच लेंगे, जैसे ये देख रहे हैं ये पाउच लेंगे। पाउच लेने के बाद हम क्या करेंगे कि जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, माल नहीं गिर रहा है, जब तक हम इसमें लगाएंगे नहीं, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पाउच लगाएंगे। ये देखिए इसमें चाय पत्ती भर गया, अब क्या हुआ, यहाँ काउंट भी हो रहा है कि भाई आप कितना पैकेट भर रहे हो। अब ये देखें, मैं दूसरा पैकेट लगाऊंगा, ये देखें ये दूसरा पैकेट भी। इस तरह से आप चाय सिंगल पर्सन जो है काम कर सकता है, इसको ऐसे हम फोल्ड करते चले जाएंगे। ये देखें, कम लागत में आप चाय बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ये दो मशीन लेके, अगर एक मशीन लेना चाहते हैं तो एक मशीन भी आप ले सकते हैं। अब मैं इसको सील करके भी दिखाऊंगा लड़ी कैसे तैयार होता है। ये देखें हमने लगाया, ये देखें चाय पत्ती भर रहा है, हम ऐसे पकड़ते भी जा रहे हैं कि पैकेट जो गिरे नहीं। ये देखें, और ये नहीं है कि दो लोगों का मैं सहारा ले रहा हूँ, अकेले करके दिखा रहा हूँ, और मैं खुद डेमो करके इसलिए दिखाता हूँ आप लोगों को कि विश्वास हो कि जो मैं वीडियोज़ में बोलता हूँ वो कर होता है कि नहीं होता है। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न होता है, भाई लड़ी वाला कैसे फील होगा, तो लड़ी वाला तो हो ही नहीं पाएगा। अब मैं आपको देखिए, ये 10 पीस की लड़ी है, ये देखिए कितना ईजी, जब तक हम उसमें लगाएंगे नहीं, जब तक आपका ये पाउच भरेगा नहीं, अब ऐसे हम पकड़ते चले जाएंगे। अब देखिए लास्ट का 3 बचा है, आपको मैं 3 भी करके दिखाऊंगा और सील करके भी दिखाऊंगा। ये हमने रैपर खोला, उसके बाद देखिए इसमें भी भर गया, हमने अभी 10 ग्राम सेट किया हुआ है, और यहाँ देखेंगे बिल्कुल 10 ही ग्राम आएगा आपका। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर 10 ही ग्राम आ रहा है, 9 पैकेट हमने भर दिया है, तो काउंट होता रहता है कि कितना पैकेट आपने भरा है। ये देखिए अब लास्ट का पैकेट बचा है,
आप लोगों को सोच में आएगा कि भाई कैसे 10 पैकेट भर गया 10 पीस का। ये देखिए आपके सामने मैंने किया इसीलिए, ये आपका लड़ी जो है ये देखें इस तरह से जो है धीरे धीरे हम छोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि बिखरेगा नहीं। ये देखिए आराम से धीरे धीरे छोड़ना है। ये देखिए आराम से बिल्कुल एक लड़ी को तैयार करना कितना आसान है। ये देखिए इस तरह से जो है आसानी से तरीके। इसके लिए चले ज़रूरत पड़ेगी एक पैकिंग मशीन। तो ये आप देख सकते हैं ये पैकिंग मशीन ईजी ऑपरेट होती है। ये छोटी सी मशीन जो आप देख रहे हैं सिर्फ मात्र 18,000 रुपये की मशीन है। और इस मशीन में क्या आप सिंगल पाउच भी कर सकते हो और इस तरह का लड़ी भी कर सकते हो। मैं आपको लड़ी करके दिखा रहा हूँ। इसमें सिंगल के लिए आप जो है 5 kg तक का वजन जो इसमें सिंगल पाउच में कर सकते हो। लड़ी के लिए क्या है सिंपल है, मशीन हमने चालू कर रखी है पहले से ही। अब हम दिखाते हैं आपको, सिंपल है। यहाँ हम जो है इसको ऐसे आराम से लगाएंगे। ये देखें ये आराम से ईजी जो आपका सील करता हुआ चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आसान तरीके से जो है लड़ी आपका जो है सील होते हुए चला जाएगा। ये देखिए ये देखिए इस तरह से आपका जो है ये देखिए सीलिंग कैसी आई है। ये देख सकते हैं आप, ये सीलिंग देख सकते हैं इसकी। और ये देखिए फ्रंट आपको दिखा दूँ मैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से प्रॉपर जो है पैकिंग हो गया। इस तरह का पैकिंग आराम से वो फाड़ के, यहाँ पे कट लगा होता है, आराम से फाड़ के दे सकता है। पीछे में रहा ये डेट वगैरह डालने के लिए, जो पैकिंग डेट है या FSI नंबर डालना होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो है एक मशीन आती है। आप जो है 10 किलो में जो है 100 ग्राम 200 ग्राम इलायची जो कूट के उसके अंदर डाल दो, मिक्स करने के बाद क्या होगा वो इलायची फ्लेवर बन जाएगा। और हमारे पास जो चाय पत्ती का पाउच है उसमें इलायची फ्लेवर लिखा हुआ है। तो आप क्या है कि उसमें जब मार्केट में दोगे तो पक्का अच्छी होगी। आजकल क्या इलायची वाले चाय की ज़्यादा डिमांड हो गई है, इसलिए हमने आपके 5 रुपये और 10 रुपये में इलायची फ्लेवर चाय पत्ती का लड़ी लेके आए हैं रेडीमेड। अब मात्र अगर आपके पास बजट नहीं है तो ये वज़न करने वाली जो मशीन है हमारे पास 22,000 से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप 22,000 का बजट नहीं है तो आप नॉर्मली जो है सिर्फ सीलिंग मशीन लेके 18,000 रुपये का, अब कुछ 2-4,000 रुपये का रैपर लेके और मार्केट से 2-4,000 रुपये का चाय पत्ती लेके जो है आप चाय पत्ती बिजनेस ट्रायल जो है शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा मसालों का भी करना है तो हमारे पीछे लड़ियाँ लगी हुई है। एक बार पीछे मैं चाहूँगा कि आपको दिखा दूँ हर तरह किस किस तरह की मेरे पास लड़ी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये हमारे पास सरफ में है, ये आप देख सकते हैं ये सरफ में है तारा के नाम से। ये भी फ्रेश का माल है, किसी कंपनी का इस पर डेट नहीं डला हुआ, किसी चीज़ का कंपनी का नंबर नहीं डला हुआ। इसमें आप अपना डिटेल फिट कर सकते हो। और ये जो देख रहे हैं तारा पे, आप तारा चाय पत्ती है। इसी तरीके से हमारे पास ये देख सकते हैं ये तारा के नाम से ही चाय पत्ती का है, 10 रुपये वाला पैकेट है। जैसे मैंने आपको 5 वाला पैक करके दिखाया। किसी को ट्रांसपेरेंट चाहिए, कुछ चना उना पैक करना हो तो इस तरह का रैपर मिल जाएगा। किसी को खड़ा मसाला पैक करना हो 10 रुपये में तो इस तरह का आपको मिल जाएगा मेरे पास रैपर, ठीक है। किसी को 25 ग्राम तक या 10 रुपये की पैकेट हल्दी मिर्ची पैक करना हो तो इस तरह का अलग अलग कलर, जैसे हल्दी के लिए, लाल मिर्च के लिए, आपको धनिया के लिए, गरम मसाला के लिए, इस तरह का ये आप देख सकते हैं। अलग अलग तरीके का जो है हमारे पास रैपर अवेलेबल होता है। इस तरह का आपको रैपर हमारे पास आसानी से मिल जाएगा। और जो मैंने मशीनें दिखाई हैं इसमें आपको 1 ग्राम से 100 ग्राम तक की है, ये आप देख सकते हैं। 1 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक की है। इसमें 1 kg की आती है हमारे पास। ये सीलिंग मशीन है जिससे मैंने आपको दिखाया, इसमें कुछ नहीं होता है। ये स्पीड कंट्रोलर है, प्रोटेक्शन अगर आपको ज़्यादा करना है, हाथ बैठ गया है तो आप स्पीड भी कर सकते हैं। यहाँ पावर ऑन ऑफ का रहता है और हीटर का बटन होता है। और ये हमारी मशीन की खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, खुद असेंबल होता है। इसमें और भी मॉडल्स आते हैं, जो 25,000 के मॉडल है ये वाला है, ठीक है। उसके ऊंचा मॉडल ये वाला है आपका। तो इसमें मॉडल्स अलग अलग आते हैं, आप कम बजट में शुरू करना चाहते हैं तो ये मशीन से आप शुरू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप पर हम आपको जो है पाउच का कैटलॉग, उसमें रेट मेंशन रहेगा और मशीन का रेट आपको भेज देंगे। धन्यवाद।